हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमी द बाइकर। तो आज का लॉग में हम बात करने वाले हैं अपना एक्सपल्स 200 BS4 FI वेरिएंट के बारे में, जो भी मॉडिफिकेशन मेरा अब तक का हुआ है। चलिए फिर चलते हैं बाइक पे और बात करते हैं। ये रहा मेरा एक्सपल्स 200 FI वेरिएंट। सबसे पहला चीज़ जो है वो है मोबाइल होल्डर। देन यहाँ पर तो बस एक ही चीज़ है, मोबाइल होल्डर है। और आप लोग सोचते होंगे क्या भाई चार चार स्विच किस काम का, वो भी बताएंगे, वीडियो पे बने रहो। और पीछे हो गया आपका बैक रेस्ट, ये कुछ इस तरह दिखता है। और ये बैक रैक है, बैक क्रेस्ट। ये पूरा मुझे मतलब एक पैकेज मिला था जो कि मैंने जाना से परचेज़ किया है। ये मुझे पड़ा था उस वक्त 2500, बस सिर्फ बैक क्रेस्ट और ये था, बस दिस ओनली। इसका पड़ा था 2500, तो ये मैंने लगवाया। अब बात आते हैं यहाँ फ्रंट का। तो फ्रंट में मैंने, जिस तरीके से आप लोग को पता है, ये मेरा चैनल का नाम है एमी द बाइकर। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है यार, जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करो, भाई को सपोर्ट करो, भाई आगे बढ़े आपका। तो सबसे पहले है ये डो ऑक्स लाइट, जो कि पावरफुल है। बट सिंस मैं हाईवे राइडर करता हूँ, नाइट में भी कभी कभार राइड करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कम ही लग रहा था कि नहीं यार पावर और थोड़ा होना चाहिए। तो फिर बाद में मैंने HJG का ऑक्स लाइट लगाया, एक राइट एंड यहाँ एक लेफ्ट। आप देख सकते हो लेग गार्ड में मैंने फिक्स करवाया। और ये जो है ऊपर वाला, यहाँ से एक क्लैंप बनवा के इसको सिर्फ ब्लैक कलर करवाना है, क्योंकि मैंने उस वक्त कलर नहीं करवाया था, बट ये चीज़ को मैं कलर करवा दूंगा। और नीचे में मैंने टोटल आपका चार है, तो चार लाइट, दो स्विच लाइट के लिए हैं, एक HJG का जो नीचे में लाइट है उसका रिंग लाइट के लिए है, और एक है जो और भी इंस्टॉल है। एक चीज़ वो है पार्किंग लाइट, चारों इंडिकेटर्स एक साइड जलने के लिए। अब मैं आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूँ। फर्स्ट गेट बैक टू न्यूट्रल, और स्विच ऑन। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन कौन सा चीज़ क्या क्या काम का है। फर्स्ट आप आ जाओ, एक सेकेंड, फर्स्ट आप आ जाओ, ये कुछ इस तरह से दिखता है। ऊपर वाला लाइट है, सेकेंड वाला नीचे वाला है। इस लाइट का, HJG का एक बात है कि आप अगर एक बार, आप देख सकते हो रोशनी, आप अगर एक बार जलाते हो ना तो लाइक हाई बीम होता है। पहले मैं ऊपर का बंद कर देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए, ये लो बीम में, ये लो बीम में एक ही स्विच से तीन तीन मोड है इसका। ये डीपर, फिर ये हाई बीम, ये लो बीम, ये डीपर। मतलब ये एक स्विच से, ये सिर्फ एक स्विच से ना आप तीन चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो। तीनों चीज़ आपका एक ही स्विच में। दूसरा है ये रिंग लाइट इसका, जो कि बहुत ही रात में खूबसूरत लगता है। देखो गाइस कैसा लग रहा है, कमेंट करके प्लीज़ बताना कि कैसा लग रहा है। ये एक है, और ये जो है इसे ऑन कर दो, इंडिकेटर चला रहा हूँ, पार्किंग लाइट इस तरीका से जलता रहेगा, चारों इंडिकेटर्स आगे का भी पीछे का भी। सो इट्स फॉर ए एमरजेंसी पर्पस, लाइक आप हाईवे में रुके हो या फिर इट्स रेनिंग वाइल यू आर राइडिंग, दैट टाइम इट वुड हेल्प यू अलॉट। सो ये सब बेसिक्स मॉडिफिकेशन है जो हम करवाए हैं अपने एक्सपल्स 200 में। मुझे इससे ज़्यादा कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं लगता। और हाँ, और एक चीज़ है बताना भूल गया था, वो है सीट। सीट मैंने थोड़ा कुशनिंग करवाया है,
एक्स्ट्रा फॉर्म देंगे, आप देख सकते हो। थोड़ा से आपको कुछ नहीं लगता होगा सीट्स का स्टॉक चाहिए सीट से, सो ये भी मैंने करवाया था। सो मुझे तो इस बाइक में दो ही चीज़ कम लगा भाई लोग, एक इसका लाइट, तो जिसके वजह से मुझे 4 आफ्टर मार्केट लाइट इंस्टॉल करना पड़ा, ऑक्सिलरी लैम्प या लाइट भी आप बोल सकते हो, वो इंस्टॉल करना पड़ा। देन सीट का मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, एक्चुअली इट्स एन ऑफ रोड बाइक, तो जो ऑफ रोड बाइक होता है उनमें सीट काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि हार्ड होता है, बिकॉज हम लोग सैडल करके चलवाते हैं, बट आई एम यूजिंग इट एज अ टूरिंग पर्पज़ एंड समटाइम्स बैड पैचेस आ जाता है रास्ता में, तो कुछ किया नहीं जाता तो उस टाइम भी तो काम आ ही जाता है बाइक, तब अपना बाइक सबसे आगे निकलता है। जहाँ बात ख़राब रास्ता की शुरू होती है वहाँ पर ही हम लोग का बाइक एक नंबर पे होता है, बाकी सबका पीछे। सो एक चीज़ है, खैर सब बाइक अपनी अपनी जगह है, कोई बाइक बुरा नहीं है, कोई बाइक अच्छा भी नहीं है, ये नहीं बोलूँगा कि यार मेरा बाइक है तो बहुत बेस्ट है, सब बाइक का अपना अपना एक पॉजिटिव साइड होता है और नेगेटिव साइड भी होता है। सो ये सब मॉडिफिकेशन है जो हम अपने एक्सपल्स में कराया है। अब बात रहा कि जाना के साथ आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि यार सैडल बैग क्यों नहीं लगा लेते, तो देखो यार सैडल बैग लगाना सॉल्यूशन है इजी बट नहीं भी, क्योंकि लिए जाना का ये हो रहा है इसका एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो जिसके वजह से सैडल बैग लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लिए आप देख सकते हो अगर सैडल स्टे यहाँ से लेके यहाँ निकलता है तो एक तरफ बैग मैंने सैडल स्टे यहाँ आता है, फिर सैडल बैग यहाँ आता है, तो एक तरफ बहुत बाहर हो जाएगा लाइक इतना, तो मुझे हाईवे में चलाना में बहुत परेशानी होने वाला है, तो इसकी वजह से नहीं कराया। फिर मेरा पास सेकेंड ऑप्शन भी आया था कि मैं अगर एग्जॉस्ट छोटा लगा दूँ तो हो जाएगा, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट में आप लोगों को पता है कि पुलिस कीज़ देती है बहुत ज़्यादा और चलान हो सकता है मेरा, तो वो भी नहीं करवा सकते कि भाई एग्जॉस्ट छोटा करवा दिया सो डैट दोनों सैडल होके लेवल हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। सो अब यही है कि मैं यहाँ पर इसके पीछे साइड बंजी से कोई बैग में कपड़ा वपड़ा कुछ भी कैरी कर सकता हूँ, बट ज़्यादा लगेज नहीं आ पाएगा, लिमिटेड ही आ पाएगा, वो मैं कर सकता हूँ। बाकी अगर आप लोगों के पास भी कोई आइडिया हो कि मैं एक्स्ट्रा लगेज रख सकता हूँ टैंक बैग और पीछे का छोड़कर कोई और हो ऑप्शन, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और हाँ ये भी बताना कि बाइक कैसा लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।